हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज प्रदेश भर की अनाज मंडियों में सरसों की खरीद का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर वह इंद्री के अनाज मंडी में पहुंचे तो यहां कई अधिकारी उन्हें मौके पर मौजूद नहीं मिले, लेकिन अधिकारियों की गैर मौजूदगी में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को किसी किस्म की खरीद केंद्र पर कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने सरसों की खरीद में कोई भी खामियां न रहने देने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को मास्क पहनने होने चाहिए और जो सोशल डिस्टेंस है उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मंडी में आने वाले किसानों को मास्क दें व सैनिटाइज आदि का प्रबंध भी करें। इलाज की जाती थी, फार्मर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा। आज जिस भी मंडी में गया, बढ़ चढ़ कर फार्मर ने अपनी भागीदारी इसके अंदर दिखाई है, खुद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का काम किया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा महामारी के अंदर चैलेंज है, क्योंकि बीज की भी गेहूँ की भी हमारी परचेज शुरू होने वाली है बीज पर। यही है, मंडियों को चेक करना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, फार्मर को मास्क मिल जाए, तमाम चीज़ों को आज यहाँ देख रहे हैं। आगे इसमें अगर कई सुधार की भी जरूरत होगी तो सरकार आने वाले 2-3 दिनों में गेहूँ से करेगी।